सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 5 के बारे में। तो Xiaomi Redmi Note 5 के फिर से कुछ लीक सामने आए, जैसे कि आप ये वीडियो में देख ही सकते हैं। इसमें आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर हम लोग इस वीडियो में बात करें, जो पहले जो लीक्स आई थी उसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार जो लीक आई है उसमें आपको सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और जो एक और वेरिएंट आएगा, जो कि आएगा Xiaomi Redmi Note 5 Plus, उसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा और साथ में आपको उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट देखने को मिलेगा, और ये इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 630 चिपसेट देखने को मिलेगा, जहाँ तक अभी मुझे पता चली है। इस फोन का स्क्रीन साइज़ होगा 5.9 इंच का स्क्रीन साइज़ मिलेगा। फुल एचडी डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। 3 GB 32 GB 3 GB 64 GB और 4 GB 64 GB, ये तीन वेरियंट के साथ ये फोन आएगा। बैटरी अभी तक कन्फर्म नहीं कितना एमएच इसमें आपको बैटरी देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये अभी तक ज़्यादा हमें जानकारी पता नहीं चली है। यही कुछ अभी लीक सामने आ रही है, देखते हैं कि कभी से लॉन्च करते हैं। बताया जा रहा है कि इसको 11 नवंबर को, मतलब 11 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं कि लॉन्च किया जाता है या फिर नहीं जाता है। और जो दूसरा वेरिएंट आएगा Xiaomi Redmi Note 5 Plus, उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट देखने को मिलेगा और साथ में आपको डुअल कैमरा का सेटअप उस फोन में देखने को मिलेगा, ना कि इस फोन में। तो देखने वाली बात होगी कि ये दोनों फ़ोन कब आता है और इंडिया में कब आता है। क्या ये फ़ोन अगर आता अभी है तो क्या ये सब Xiaomi के A1 या फिर मोटो का G5S Plus को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं पाएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको मैंने कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों को। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को डेली टेक वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।